हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है टॉकबैक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, वही बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ देख सकते हैं कि टॉकबैक प्रॉब्लम लग गया है इसमें, और आपका स्लाइड नहीं हो पा रहा है, और मतलब स्लाइड नहीं हो पा रहा, किसी ऐप पे नहीं क्लिक हो पा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊँगी। अगर आपका लॉक स्क्रीन पर लगा हुआ है इस प्रकार से, वहाँ से भी किस प्रकार से हटाते हैं वो भी पहले आपको यूज़ करना आना चाहिए। और कैसे देख सकते स्लाइड नहीं हो रहा है एंड ये ऑप्शन आ रहे हैं कई बार, तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊँगी। फ्रेंड्स ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूज़ करना आना चाहिए टॉकबैक। तो फ्रेंड्स स्लाइड करने के लिए आपको टू फिंगर का इस्तेमाल करना है इस प्रकार से। एंड स्लाइड होने के बाद आपका ऑप्शन आता है लॉक का, तो अगर एक ही बार इसमें तो एक ही बार करेंगे इस प्रकार से, तो आपका ओपन हो जाएगा। अगर पिन लोगे तो वैसे एक ही बार करेंगे। एंड इस प्रकार स्लाइड होता है टू फिंगर से। किसी ऐप को ओपन करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे, और या फिर आप प्ले स्टोर को ओपन करके दिखा देती हूँ। जब निशान आ जाएगा तब आपका एक ही फिंगर से डबल टैप क्लिक कर देना है और आपका ओपन हो जाएगा। निशान नहीं आया तो दोबारा क्लिक करें। अगर देख सकते हैं निशान आ गया इस पर, अगर इस पर निशान नहीं आया तो दोबारा क्लिक करें, पर निशान आ जाता है वैसे। अगर देख सकते हैं इस पर नहीं आया तो दोबारा क्लिक कर देंगे। अब आ गया एंड इसके बाद जब निशान आ जाए तो आपको उस पर डबल टैप क्लिक कर देना है एक ही फिंगर से, और आपका ये होम भी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से करना होता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं होम हो चुका है एंड इस प्रकार स्लाइड होता है। तो अब ये शुरू करते हैं इसको हटाने। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है, और देख सकते हैं निशान आ गया उस पर एक बार क्लिक करने से। उसके बाद आपको एक ही फिंगर से डबल टैप क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार स्लाइड करना है एंड लास्ट में ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग का, ये वाला, तो आप उस पर क्लिक कर देंगी। क्लिक करने के बाद निशान आ जाता है एंड डबल टैप क्लिक कर देंगे और आपका ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो आपको एसेसिबिलिटी, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक होगी दोबारा क्लिक कर देंगी एंड मतलब डबल टैप करके एंड वर्जन पे क्लिक कर देंगी। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है टॉकबैक, आप उस पर क्लिक करेंगे, निशान आ गया, एक बार क्लिक हो गया, फिर डबल बार क्लिक करना है डबल टैप एंड इसके बाद इसे ऑफ कर देंगी। और स्टॉक का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करेंगे डबल टैप एंड इसके बाद आपका टॉकबैक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं तो आपका हो गया सॉल्व। तो इसी प्रकार से आप ये बैक हो रहा है और ये होम भी हो रहा है, स्लाइड भी हो रहा है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में टॉकबैक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।